हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडो सर। मेरा नाम विपुल है और जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का एग्जाम जो 2021 में हो रहा है, उसके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 13th ऑफ अगस्त को फर्स्ट डे का एग्जाम हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर 3 शिफ्ट हुए थे। और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 13 अगस्त को जो भी एग्जाम हुए थे, जो भी क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 13 अगस्त 2021 मेमोरी भी पेपर है ये, और जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं वो मैंने लिए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के, यानी कि क्वांट के, मैथ्स के, हम लोग पूरे यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन, मतलब आपको एक तरह का, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको एक सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी DI नहीं लिया है, क्योंकि DI मुझे एग्जैक्ट मिले नहीं कैसे आए थे। तो मैंने यहाँ पे 25 के 25 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लिए हैं, या फिर DI को छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, देखते रहे अंत तक। हम लोग यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एसएससी सीजीएलसी एग्जाम के स्पेसिफिक जो वीडियो आते हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऐसे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल सीजीएसएल सीपीओ एमटीएस या फिर और भी जो एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, इसमें आपको लास्ट ईयर जो भी एग्जाम्स हुए थे सीजीएल के या फिर सीएचएसएल के, उसके यहाँ पे पेपर यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, और टीयर 1 से लेकर के टीयर 2 तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी नई वीडियो आए। और ये सेकंड प्लेलिस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को 1 by 1 कवर करते हैं। और चाहे वो आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी एग्जाम कर रहे हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस, या फिर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, एसबीआई आईपीएस आरआरबी एफबी एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम में अर्थमेटिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगी। इसमें क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को 1, 2, 3 and 4 पार्ट में कवर किए हैं। पार्ट 1 में आपको मिलता है बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, पार्ट 2 में मिलता है आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, और पार्ट 3 में मिलता है बिल्कुल आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और पार्ट 4 में आपको मिलता है प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखें तो आप इसमें से कोई वीडियो उठाएं, देखें, और खुद आपको पता चल जाएगा लेवल यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी और भी वीडियो आने बाकी हैं, काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी वीडियो आएगी। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन का, और 13 अगस्त से जो मैंने क्वेश्चन लिए वो आपके सामने। ये अर्थमेटिक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर दिया गया है? ए मैन एंड ए वोमैन कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 66 डेज। ठीक है, एक मैन है, एक वोमैन है, जो कि किसी काम को 66 डेज में कंप्लीट करती है। इफ़ द रेशियो ऑफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन का यहाँ पे वर्किंग एफिशिएंसी दिया गया 3:2। तो मैन का अगर 3 है, वुमेन का 2 है, कुछ इस तरीके से दिया गया, दोनों कंबाइंड कितना हो जाएगा? 3+2 5 हो जाएगा। तो वी कैन लेट टोटल वर्क कितना? 36। यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क लेट कर सकते हैं, 66 × 5 कितना आ जाएगा? 30 और 30 3 30। ये हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क लेट कर सकते हैं। अब पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज 6 वुमेन एंड 2 मेन कंप्लीट द वर्क। 6 वुमेन और 2 मेन, अगर टोटल वर्क 330 है, एक वुमेन अगर काम करती है, यहाँ पे एक वुमेन कितना? एक वुमेन का 2 है और एक मेन का 3, यहाँ पे 6 मेन काम करेंगे, यानी कि 6 × 3, और 2 वुमेन काम करेगी तो 2 × 2 सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा? 330 / 6 = 18 2 = 4 = 22। 11 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 times, 11 से करेंगे ये हो जाएगा 3 times, यानी कि 30/2 यानी कि 15 डेज का समय लगेगा, 15 डेज का समय लगेगा क्या करने में? जब 6 मेन और 2 वुमेन साथ मिले काम करेंगे तो 15 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके 13 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल पेपर में। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे क्या है? 3 sec + 4 cos − 4√3 = 0, थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, आपके पास ऑप्शन दिया गया होता है, ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, आप चाहें सिंपल सॉल्व करना, आप यहाँ पे थीटा के वैल्यू को अपने मन से चूज करें ऑप्शन में से, और उसे यहाँ पुट कर देखें, जिस पे आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगा, उस
आप उस ऑप्शन को अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कैसे हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे कैसे हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसे। यहाँ पे क्या दिया गया, 3 sec, यानी कि इसको हम देते हैं 3/cos थीटा प्लस 4 तो cos थीटा है ही पहले से, 4 cos थीटा इक्वल टू 4√3 या माइनस जैसे भी रहे -4√3। यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले ले कितना आ जाएगा, सब हो जाएगा cos, ये आ जाएगा 3+4 cos² थीटा -4√3 cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला था आपको पहले ही ये इक्वेशन बन जाएगा, आपको वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसा बन के आया है, 4 cos² थीटा -4√3 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 4 है ये 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। 12 कैसे बनेगा, अगर हम इसे स्प्लिट कर दें 2√3 और 2√3 में हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 4 3 2, बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पे हम कह रहे थे यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा, 2 नेगेटिव मिलेगा, साइन मिल जाएगा, यह आ जाएगा पॉजिटिव और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4। हमें यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया √3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें क्या मिला, cos थीटा का वैल्यू मिल गया √3/2। और √3/2 कब होता है cos का वैल्यू, जब थीटा इक्वल टू होता है 30 डिग्री। थीटा क्या होता है, 30 डिग्री होता है, तब क्या होता है cos का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू आ चुका है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 डिग्री। ये था प्रॉपर मेथड, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप वैल्यू पुट के सॉल्व करेंगे काफ़ी जल्दी कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आपके ऑप्शन में 30-60 होगा, आप 30-60 से स्टार्ट करें। आप किससे स्टार्ट करें, आप 30 और 60 से स्टार्ट करें, 30 चूज करें या 60 चूज कर लें। 30 चूज करते क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, 3 sec 30 कितना होता है, sin 30 होता है, सॉरी cos 30√3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस 4 cos 60√3/2, ये हो जाएगा √3/2 -4√3। सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा 2√3, और ये क्या हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2√3 आ गया 4√3, और 4√3 -4√3 = 0। और ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इसलिए हमें क्या मिल गया, हम लोग यहाँ पे क्या चूज किए थे, हम लोग चूज किए 30 डिग्री चूज किए थे, इस पर मेरा आंसर आ गया, यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इससे आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा, तो फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, अच्छा कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ जो ये कैसा सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल, ये रहा, एक मिनट, ये रहा ए बी सी, और सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सेकेंड ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हम लोग, ये रहा, इसका नाम क्या, इसका नाम है डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल कैसा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अब क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो एरिया है ये कितना है, 13.5 cm² है, और एरिया डी ई एफ का कितना है, ये 24 cm² है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, एंड साइड बी सी 3.15, बी सी जो है ये 3.15 है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एफ, हमें इसका वैल्यू निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ई एफ का वैल्यू निकालना, हमें क्या पता, हमें ये पता है कि साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड होता है। यहाँ पे एरिया क्या क्या दिया गया, 13.5 है, और दूसरा क्या है, दूसरा 24 है। अगर इसे हम सॉल्व करें, यहाँ से अगर रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, एक काम इसका डबल कर ले, इसका डबल अगर कर ले हम लोग क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 48, ये कैंसिल किससे हो जाएगा, 9 times 3 = 16, यानी कितना आ गया, 9:16 आ गया। एरिया का रेशियो क्या है, 9:16 है, साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रूट लगा देंगे इस पर, जैसे रूट लगाएंगे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9/16 पे रूट लगा देंगे,
ये मिल जाएगा 3:4। तो अगर इसका साइड जो है ये 3 यूनिट के बराबर ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट के बराबर आएगा। 3 का वैल्यू इतना दिया गया है, 4 कितना होगा, 3 का मतलब इतना है, यानी कि 4 कितना हो जाएगा, 4 × 3.15/3। फिर से कैंसिल कर ले, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 1.05 आया, ये कितना आ जाएगा, 420। ये आ गया 420, यानी कि पॉइंट लगा हुआ, ये आ जाएगा 4.20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, यही मिल गया EF का वैल्यू। समझ में आया? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था 13th अगस्त को। ये सारे क्वेश्चन 13th अगस्त को पूछे गए, वही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर गिवन ए सर्कल टचेज ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटर के सभी साइड को टच कर रहा है, तो मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये एक सर्कल है और अंदर में बना होगा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से, ये इसके सभी साइड को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम दिया गया है ABCD। ठीक है, AB अगर 8.4 है, ये कितना है, ये 8.4 है। BC कितना है, ये 9.8 है। ठीक है, CD कितना है, 5.6 है, CD 5.6। तो DA का वैल्यू क्या होगा, जब कभी भी आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो वहाँ पे क्या होता है, अगर साइड की बात किया जाए वहाँ पे अपोजिट साइड का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो वी कैन राइट व्हाट, वी कैन से AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD या DA, कुछ भी। यहाँ से AB कितना, AB है 8.4, CD कितना है 5.6, इक्वल टू BC कितना है, BC है 9.8 प्लस, अरे 9.8 प्लस AD। यहाँ से अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 13 = 114, यानी कि AD का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 9.8, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर है, या जो भी है, जो भी आपका दिया जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो AD का वैल्यू कितना आ गया, 4.2 यूनिट। क्लियर है, समझ में आया? AD DA बात एक ही है, AD = DA। क्लियर, जब कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो अपोजिट साइड का सम जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, कुछ इस तरीके से AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, 5-digit number 676XY इज कम्प्लीटली डिवाइजेबल बाई 3 से 7 से और 11 से। ये नंबर जो दिया गया, ये 3, 7, 11 तीनों से डिवाइजेबल होता है कम्प्लीटली। वट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 5y, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे क्या कर दिया गया, 3, 7, 6, XY, ये 3, 7, 11 तीनों से होता है। 11 से क्या होता है रूल, 6 + 6 + y और 7 + x, ये दोनों का सम क्या होगा, बराबर होगा। मतलब वी कैन से 6 + 6 + x, sorry, y इक्वल टू 7 + x और वी कैन से 6 + 6 = 12 + y इक्वल टू 7 + x। ये दोनों बराबर, बराबर कब होगा, y के जगह पर रखते हैं अगर 1 13 हो जाएगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा x के जगह पर रखना पड़ेगा 6, y रखते हैं अगर 2 तो x को रखना पड़ेगा s, रखना पड़ेगा हमें 7, y रखते हैं अगर 3 हमें s रखना पड़ेगा 8, y रखते हैं अगर 4 हमें s रखना पड़ेगा 9, इससे ऊपर हम जा सकते नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चेक करेंगे किस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1 और 6, ये कितना बन जाएगा, 6, 7, 6, 1, 6, 6 और 7। और एक और चीज़, सीधा आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का रूल क्या हो, 3 का रूल होता है सभी को ऐड करना होता है और 3 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे क्या, 7 + 6 = 13, 13 और 6 = 19, 19 + x + y, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, x प्लस वाई का वैल्यू 19, 2, 21 हो सकता है, 19 और फिर कितना 24, यानी कि 4, 1, 5, ये 5 हो सकता है। और x प्लस वाई का वैल्यू 5 के बाद और क्या हो सकता है,
27, 7 और 8 हो सकता है, और 30 यानी कि 11 हो सकता है। ये सारे वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई के हो सकते हैं। हम ये देखते हैं किस में हमारा यहाँ से x और y ले और यहाँ से x प्लस वाई मेरा सेटिस्फाई कर जाए। तो 6 प्लस 1 करें इन दोनों को, 7 नहीं हो रहा, 7 प्लस 2 9 नहीं हो रहा, 8 प्लस 3 11, ये 8 प्लस 3 अगर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 11 देखने को मिल रहा है, यानी कि ही पेयर होगा। 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 13 भी नहीं होगा, यानी 8 प्लस 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, या y तो 3 नहीं सॉरी y का वैल्यू 3 हाँ ठीक तो है, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब बस एक चीज रह गया, 7 से ये हो रहा है कि चेक कर लेते हैं। 6 7 6 8 3, अगर से 7 चेक कर कितना, 7 एक्स के 3 ये आ गया 446, सॉरी 4 नहीं हाँ 446, 7 6 या 42 48 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 63। या बस बिल्कुल ये 7 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 8 y का वैल्यू 3। पूछा क्या है, 3x-5y 3 इंटू कर देंगे हम लोग x यानी कि 8 और 5 इंटू कर देंगे 3 यानी कि y, कितना आ जाएगा 8, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8-5, ये भी आ जाएगा 3, यानी कि वी कैन से व्हाट 3 3 9, इसका वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा रूल पता हो तो भी, रूल अगर नहीं पता होगा तो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या दिया गया, ए ट्रायंगल एबीसी सी इक्वल टू 90, एबी इक्वल टू 10, मतलब ये कहने का ये एक सिंपल सा मतलब है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सी पे राइट एंगल है, वी कैन राइट ए बी एंड सी। ए बी कितना है, ए बी 10 के बराबर है, ए सी कितना है, ए सी है 2√10, ठीक है। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहाँ पे कहीं क्यू होगा और ये क्या है मिड पॉइंट इसका, इसका मतलब ये साइड जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू, तो हमसे पूछा गया है ए क्यू का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो काफी सिंपल है, हम लोग यहाँ पे सिंपल अप्लाई करते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अप्लाई देखते हैं, ये अगर 10 है, ये 2√10 है, ये कितना आ जाएगा इस जगह से, इस जगह सी भी कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 10 रूट 10 का 10, 10 4 या 40, 40 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √60। ये कितना आ गया, ये आ गया √60 आ गया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ए क्यू, अगर इस जगह से इस जगह √60 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √60/2। ये दिया गया है परपेंडिकुलर, ये बेस पता हमें, ये 90 यहाँ बन रहा था ना, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हमें ये निकालना है पोटेनस क्या हो जाएगा AQ का वैल्यू, AQ इक्वल टू 2√10 स्क्वायर प्लस √60/2 स्क्वायर, और यहाँ पे एक और रूट लगेगा तो इस तरीके से, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर √10 का 10, 10 4 जा 40, 40 प्लस ये तो रूट गायब हो जाएगा यहाँ से, ये 4 हो जाएगा 60/4 इक्वल टू 15, ये आ गया 40+15 यानी कि 55, √55 इसका वैल्यू आएगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया √55 सेंटीमीटर, ये पूछा गया था, ये इसका आंसर होगा। अगर पॉइंट पे निकाले यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉइंट पे निकालते हैं 7 का होता है 49, तो यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग आएगा, आप इसे निकाल के चेक कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस 1 टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू यूज करना क्या सही होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू यूज करना सही होगा, आप यहाँ पे कुछ कोई भी एंगल ले सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करना है। उस क्वेश्चन में क्या था, अभी हम लोग सॉल्व किए, इससे पहले कोई सॉल्व किए थे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अभी हम लोग सॉल्व किए थे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू था शायद, वन था टू था जो भी था, टू ये रहा। इसमें क्या था, इसमें एक इक्वेशन दिया गया था, इक्वल टू के बाद जीरो था, तो आपको वहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंपल बोल रहा है आपको इस क्वेश्चन में, आपको सीधा सीधा इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे आपका जो मन करे थीटा का वैल्यू आप उसे पुट करें, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर दें, थीटा इक्वल 30 पुट कर दें, थीटा इक्वल 60, जो आपका मन करे, 90 जो मन कर रहा है आपका, वो यहाँ पे आप पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे कॉसेक दिख रहा है ना, कॉसेक थीटा है, तो अगर 30 ले हम यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पुट कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आप किसी और एंगल पे 45 पे लेके चेक कर सकते हैं, 60 लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 2/2 प्लस 1 प्लस 2/2 माइनस 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर 30, टेन 30 तो 1/3 होता है, ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, अभी कैंसिल 2/3। ठीक है, यहाँ सॉल्व करें, ये कितना था, एक मिनट, ये 1 था, हाँ 2/3 प्लस 2 माइनस, ये कितना आया था, ये था 2/3, ये कितना था 2/3, तो इस जगह से ये कैंसिल हो गया, बचा गया 2 हमारे पास, सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप कोई और भी वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यहाँ पे दिया गया, टोटल डिस्टेंस ऑफ ए जर्नी इज 370 किलोमीटर, आफ्टर 100 किलोमीटर स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू विच द जर्नी इज डिले बाई 6 मिनट, देन फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 370 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, जिसमें से क्या होता है, आफ्टर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद वो अपने स्पीड को रिड्यूस कर लेती है 5 किलोमीटर पर आवर से। लेट से अगर उसका पहले का स्पीड अगर यू था, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा u-5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कब होता है, ये 100 किलोमीटर चलने के बाद होता है। इसके कारण क्या होता है, 36 मिनट का डिले देखने को मिलता है, 36 मिनट क्या होता है, लेट हो जाता है ट्रेन। देन फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, तो एक्चुअल स्पीड क्या था, ये u क्या है, ये है एक्चुअल स्पीड, u क्या है u है एक्चुअल स्पीड, और ये क्या है, ये न्यू स्पीड, या फिर वी कैन से रिड्यूस्ड स्पीड। ठीक है, तो यहां से करते क्या है, यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि 370 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर चली है वो अपने रफ्तार चली है, तो डिले जो होगा वो पहले 100 किलोमीटर कारण नहीं होगा, पहले 100 किलोमीटर जो यहाँ पे चली है ट्रेन, इसके कारण यहाँ पे हमें कुछ भी डिले देखने को नहीं मिलेगा। तो मिले किस कारण, 370 में से जो बचा हुआ जो था 100 किलोमीटर के बाद, यानी कि कितना बच गया, 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर में हमें डिले देखने को मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 270 किलोमीटर ट्रेवल करेगी ट्रेन, कितने की स्पीड से, u माइनस 5 की स्पीड से, पहले कितने से कर रही थी, 270 किलोमीटर u के स्पीड से, कितना समय कम लग रहा है, समय ज़्यादा कितना लग रहा है, 36 मिनट, 36/60, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 से 6 टाइम्स 6 से 10 टाइम्स, आप ऐसे 36/60 इसे आप कैंसिल, कितना मिल जाएगा, 12 से 3 टाइम्स 12 से 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, यहाँ से आपको बस सॉल्व करना और यू के वैल्यू को निकालना है। यहाँ से क्या बनने वाला, ये क्वाड्रेटिक उससे बन जाएगा, उससे बचाने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं, वैसे देखते हैं क्या कर पाएंगे। 3 से हो जाएगा 90 टाइम्स, ये भी कट जाएगा 90 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यू माइनस यू प्लस 5 डिवाइड बाई यू इंटू यू माइनस 5 इक्वल टू 1/945 यू से यू कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 5u, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 5/20/25 225 0 इक्वल टू 0, ये बन के आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा और आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे क्या देख पा, 225 कब आता है, ये आता है 50/25। हाँ, तो क्या इसे अगर स्प्लिट कर इस तरीके से,
-50 और +45, तो हमें मिल जाएगा -5 मिल जाएगा, और यहाँ से 45 5j हो जाएगा, जो कि अभी हम तुरंत यहाँ पे किए थे 45 5j किए थे, इसे मेरे से ही मेरे माइंड में आया, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो इसे लेंगे नहीं हम लोग, इसे लेंगे लेंगे इसे 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो पूछा गया था एक्चुअल स्पीड यानी कि यू, यू का कितना आ गया, यू का वैल्यू आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। वैसे अगर आपके पास ऑप्शन होगा ना तो आप यहीं पे पुट कर चेक कर सकते हैं कि आपका किस जगह पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आपको क्वालिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे वैल्यू को पुट करें ऑप्शन से, उसे आप चेक कर लें। क्लियर है, समझ में आ रहा? अगर समझ में आया है तो फिर बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 25, cot 35, 45, 55, 65। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, cot 25 और cot 65, ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 1, ये दोनों बनाएगा 1, कैसे बनाएगा, cot 25 को हम लोग लिखते हैं कैसे, cot 90 माइनस 65, और ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 65। हमें क्या पता है tan इंटू cot क्या होता है, 1 होता है, यहाँ से ये दोनों 1 बन जाएगा, cot 35 और cot 55 ये दोनों 1 बन जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, हमें बच गया cot 45, cot 45 कितना होता है, ये होता है 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, जहाँ पे जरूरत पड़ी है कंसेप्ट की वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर होंगे ही आप, और आई होप आपको ये सब पता ही होगा, तो क्वेश्चन को बस यहाँ पे हम तेज़ी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैसे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूँगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 1 by x + 1 by y = 16/15, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 4 है, ये 1 by x + 1 by y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 16/15, इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करें हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x + y / xy = 16/15, और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 4, यहाँ पुट कर दे क्या मिल जाएगा, 4/xy = 16/15, और वी कैन से एक्स वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा 15/4, हमें यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू मिल चुका है, हमें निकालना क्या, निकालना x³ + y³ निकालना, अगर हम x + y यहाँ पे दिया गया 4 के बराबर है, इस x + y को हम लोग क्यूबिंग कर दे बोथ साइड कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है, यहाँ सॉल्व कितना मिलेगा, a + b² क्या होता है, a³ + 3ab (a+b) = 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 64, ठीक है, यहाँ पे x³ + y³ हमें ये फाइंड आउट करना है, तो अगर हम देखें यहाँ से x³ + y³ + 3 × xy के वैल्यू यहाँ से कितना आया था, 15/4 आया था, ठीक है, x + y ये 4 दिया गया है = 64, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 से कितना 45 होता है, तो यहाँ से मिल गया हमें x³ + y³ का वैल्यू 64 - 45, क्या मिल जाएगा, 45 55 65 19, तो x³ + y³ का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 19 मिल गया, और यही हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 था, ये अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अगर फॉर्मूला वगैरह याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या है, x - 1 by x = 1 का वैल्यू 1 दिया गया, आपसे पूछा गया है x^8 + 1 by x^8 का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया, ये साइन होता है पावर का, ये साइन किसका होता है, पावर का होता है, तो मतलब किसका, मतलब क्या हो गया, x का पावर 8 हो गया, ठीक है,
यहाँ से कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ से अगर हम एक स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड से, इसका एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला होता है, मैंने कई बार बताया भी आप लोगों को, वो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तरीका जान चाहते हैं वो भी देखते हैं कैसे करेंगे। इसको कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस टू ए बी आएगा, सॉरी माइनस टू ए बी आएगा, तो माइनस टू ए बी ए बी ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आएगा ना माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस टू मिलेगा। अगर यहाँ पे माइनस टू मिलेगा तो अगर इस माइनस टू उधर भेजें क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, वन का स्क्वायर कितना होता है वन ही होता है, ये आ जाएगा थ्री। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर क्या आ गया थ्री आ गया, यही से फॉर्मूला बन गया था, शॉर्ट फॉर्मूला होता है के स्क्वायर, ये वो जो भी होता है वो यही से आपका बन गया था। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री आ गया। हमें कहाँ जाना, हमें पावर एट तक पहुँचना है, क्या करेंगे इसका फिर से करते हैं स्क्वायर, इसका फिर से करते हैं स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स का पावर फोर बाई वन प्लस एक्स का पावर फोर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस टू ए बी आएगा प्लस आएगा थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन होगा, नाइन माइनस टू ये आ जाएगा सेवन। ठीक है, अभी भी एट पहुँच रही है, हम एक बार और करना पड़ेगा, फिर से करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स का पावर एट प्लस वन बाई एक्स का पावर एट, यहाँ पे कितना आएगा यहाँ भी टू आएगा, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन माइनस टू यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर्टी सेवन, ये हो जाएगा आपका आंसर फोर्टी सेवन। क्लियर, समझ में आया, जरूरी नहीं है आपको शॉर्ट फॉर्मूला जो से याद रखने का, आप नहीं भी याद है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ से कर पाएंगे, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं, किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करें, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, मतलब इस तरीके से लिखा गया है x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू 7 टू 7। पूछा गया आपसे क्या x माइनस 1 बाई एक्स के वैल्यू को निकालने के लिए, मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था छोटा पावर दिया गया आपको पावर ऊपर जाना था, इस पर क्या किया गया हाई पावर दिया गया आपको नीचे जाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 टू 7 है, इतना देखने से मेरे माइंड में क्या आता है 7 टू 7 के आसपास क्या होता है 7 टू 9 होता है और वो क्या होता है 27 का स्क्वायर होता है, इतना हमें यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते लिखना चाहते कैसे सॉल्व करें इसे हम लोग वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे हम लोग लिख लेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट थोड़ा सा से जगह दे देते हैं, इसे अगर ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी, ए बी से भी सब कैंसिल हो जाए, यहाँ पर टू बचेगा, टू अगर इधर ऐड किए हैं तो हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे इसमें ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 729 आ जाएगा, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पावर टू इक्वल टू 729, और 729 पे जैसे रूट जाएगा ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना 27 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे वही काम फिर से करेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट में करते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कैसे करते हैं। इस बार हमें जाना कहाँ है, हमें माइनस में पहुँचना है, माइनस में पहुँच क्या करना पड़ता है हमें माइनस टू ए बी करना पड़ता है, तो माइनस टू ए बी करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स मिलेगा, इसमें से दो माइनस करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना आ गया, ये आ गया आपका 5, यही होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया होगा आपको कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व, हम लोग ऐसे क्वेश्चन भूल जा रहे हैं, और हो सकता है कि आगे आए उस शिफ्ट में आगे वाले दिनों में 16 को पेपर है, उसके बाद भी आगे पेपर है 23rd का पेपर है, तो उन सभी एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इस क्वेश्चन के रेडी रहें देख लें। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहाँ भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हर साल आपको दोनों एग्जाम में CGL हो या फिर CHSL दोनों में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ए सम ऑफ रुपीज 8192 इज कंपाउंडेड 5 मंथली एट रेट ऑफ 50% पर एनम फॉर, अच्छा ये वन होल 1/4 है, वन होल 1/4 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है, कंपाउंडेड 5 मंथली है, और रेट दिया गया है, और आपको यहाँ पे टाइम भी दिया गया, पूछ रहा है अमाउंट कितना होगा।
ठीक है, तो इसे करते हैं सॉल्व हम लोग। इसे कैसे कर पाएंगे ये भी देखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 5 मंथली दिया गया और टाइम कितना है, टाइम कुछ इस तरीके से लिखा गया, इससे मतलब यहाँ पे ये ऐसे लिखा गया 1 whole 1/4 years। इसका मतलब क्या होता है, एक का मतलब हो गया 12 मंथ और प्लस 1/4 में 6 12/4 यानी कि 3 मंथ, यानी कि वी कैन से 15 मंथ। टाइम कितना पूरा, टाइम पूरा है 15 मंथ। और करना कैसे, कंपाउंड है 5 मंथली, मतलब हर 5 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो कितना बार पे करना पड़ेगा, हमें 3 बार करना पड़ेगा। 15 महीना है, 5 महीने में एक बार करना, 15/5 कर देंगे हमें मिल जाएगा, तो मतलब 3 बार हमें करना। यहाँ पे टाइम जो होगा वो 3 यहाँ पे हम लोग लेंगे, टाइम ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 बार किया है, 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 बार आपको पेमेंट करना है, 3 बार आपको इंटरेस्ट पे करना है, कंपाउंडेड 5 मंथली है, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे। सेम एज अगर इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, इंटरेस्ट जो दिया गया है वो है 15%। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट यहाँ पे 15% है। क्या करेंगे 15%, ये कब होगा, ये 12 महीने के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 5 मंथली है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल करें, 3 से हो जाएगा ये 5 टाइम, 3 से हो जाएगा ये 4 टाइम, ये आ गया 25/4%। और वी कैन राइट इन फ्रैक्शन वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1/4 16, 1/16 हो जाएगा ये। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8192, कितना है 1/16 आया, ये कितना हो जाएगा, पूछा क्या अमाउंट या इंटरेस्ट, पूछा है अमाउंट पूछा है, क्या करेंगे हम लोग 16/1 17/16, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 बार पे करना है 17/16। बस इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 16 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 16/5 = 80, 16 80 आ गया, 1 16/1 = 16, और कितना बस 16/32, ठीक है। इससे कैंसिल कितना आ जाएगा 16 से, 16 3 = 48, और कितना बचे 2 1 3 32, और 16 से जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 17 का क्यूब पता नहीं कितना होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर पता हमें, ऐसा करते हैं 17 2 = 34 कर लेते हैं, और 17 का स्क्वायर कर देते हैं 289, 289 को मल्टीप्लाई करना है 34 से। कैसे करेंगे, 289 को 34 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक काम करते हैं 289 को पर 30 से करते हैं, फिर कर लेंगे 4 से, ठीक है। 289 को अगर 3 से करें, 30 से कितना आ जाएगा, 927 07, या जाएगा 6 8 8 6, ठीक है। अब कर ले इसे कर ले 4 से, तो 4 से कितना आ जाएगा ये, अगर इसे 294 से कितना होता है 58 58, ये आ जाएगा 11 60 11 56 11 56 6 6 2 6 1 7 1 8 8 1 9 9 8 2 6 9 8 2 6, क्या आ गया, ये आ गया आपका अमाउंट, ये आपसे पूछा गया, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। आया समझ में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप 5 मंथ अगर आप निकाल भी लेते हैं कि यहाँ पे 3 बार पे करना होगा, तो फिर आप टाइम में निकाल नहीं पाएंगे सही से। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, और कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपने देखा। और अगर आप चाहते हैं सीखना अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक को, तो आप अर्थमेटिक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कैसे फाइंड वैल्यू ऑफ 7 बाय दिस। अच्छा, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बॉर्ड मास वी बॉर्ड मास लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा गया, ये रहा 4/5, और ये कितना है, ये हो जाएगा 16 5 = 80, तो 80 नीचे में आ जाएगा, 80 आ जाएगा नीचे में, ऊपर कितना आ जाएगा 25 4 = 100, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लिखा गया था, सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 5 8 = 40, 5 8 = 40, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। और यह इधर कितना है, 49 को 7 से करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 7 7 × 1 7 × 1, ये आ जाएगा 756 में से, अगर 7 में कितना आ जाएगा 6 में, ये आ जाएगा 49 आ जाएगा, यहाँ 7 से कैंसिल होगा, ये बचेगा 7 और 7 / 7 = 1, कुछ नहीं, यहाँ पे आ गया 1 बस।
यही करना था आपको। देखिए आपको पता होना चाहिए सिक्वेंस क्या होता है बॉड मास में, बी ओ डी एम ई एस होता है, पहले आप स्मॉल ब्रैकेट काम करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से आप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, तो फिर आगे बढ़े सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। हाँ तो ये है आपके सामने एवरेज क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे देते हैं यहाँ पे, क्या दिया कि एवरेज 28 नंबर्स यहाँ पे हैं जिसका एवरेज कितना है 29 है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर 33, यहाँ पे 14 नंबर जो है इनका एवरेज 33 दिया गया है, यानी कि ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 4 ज़्यादा है, कितने नंबर ऐसे हैं, ऐसे 14 नंबर है यानी कि 56। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 13 नंबर का जो एवरेज है वो कितना 25 है, ये इस एवरेज से कितना कम है, ये इससे 4 कम है, कितने ऐसे नंबर हैं इसके 13 नंबर हैं, कितना हो जाएगा 13 और 4 समझ लो कितना 52 आ जाएगा, यहाँ 52 यहाँ पे, यहाँ 56 से दोनों को मैच कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर 4 आ गया क्या करेंगे हम निकालना है 15th नंबर, कितना हो जाएगा एवरेज कितना 29 था, 29 में से 4 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 25। तो 15वां नंबर जो होगा वो कितना होगा, वो 25 होगा। इस तरीके से काफ़ी तेज़ी से आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास मेथड है, क्या करें आप 28 को 29 से मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू 14 को 33 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 13 को 25 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 15th नंबर को मान लें एक्स, इन सभी को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया यहाँ पे, इफ एक्स 8 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 27 एक्स माइनस वाई होल क्यूब एंड दिस दिया गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड क्या है कि आप इसे सॉल्व करें, इसे क्यूब के फॉर्मूला पे लाएं, इसे पूरा एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद आप देखेंगे क्या कि कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आपका LHS आपका आ जाएगा। इस फॉर्मेट अगर आ गया क्या करें आप, ए के जगह पे ए को रख दें, बी के जगह पे बी रख दें और सी की जगह सी रख दें, यानी ए बी सी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा आफ्टर कंपेयरिंग LHS एंड RHS, वहाँ से फिर आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ये तरीका है करने का सॉल्व, पूरे प्रॉपर तरीका यही सॉल्व करने का। वैसे आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुटिंग का भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू पुट कैसे करें, एक्स के वैल्यू को रखें 1 और एक मिनट, हाँ क्या करें आप, एक्स के वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें 1 और वाई के वैल्यू को पुट कर दें -1, तो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। वैसे मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर तरीका कैसे करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, आप इसे ट्राई खुद से कीजिएगा, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू -1 लेकर के आपका आंसर देखिए बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको पूरे अच्छे पूरे मेथड से। ठीक है, अच्छे समझ से करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या है, 8 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब, यहाँ पे 27, हमें क्या पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। वी कैन राइट इट एज 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, इससे अगर हम देख क्या दिख रहा है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। इससे अगर हम लिखे यहाँ पे क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे अगर हम यहाँ पे लिखे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी करें 2x प्लस 2y, ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी इंटू देखिए क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो करते हैं इसे हम लोग यहाँ पे, ये कितना आ गया 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y। ठीक है, इनटू और क्या मिलेगा यहाँ से, और मिलेगा हमें यहाँ से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy प्लस 4 ये हो जाएगा 4xy, 4 × 2 = 8xy, ये कितना आ जाएगा 8xy। ठीक है, फिर इसका करेंगे स्क्वायर हम लोग,
इसका करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा इस एक काम कर लेते हैं, ए इंटू बी कर लेते हैं। ए इंटू बी अगर करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3 2 6 मिल जाएगा, 6 के साथ मिलेगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो 6x² - 6y² और इधर क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा हमें करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² + 9y² - 9 2 18xy, ठीक है। यहाँ सॉल्व करें कितना मिलेगा, 3 2 5y - x, इधर कितना मिल जाएगा 4x² एक यहाँ पे 6 10x² 10 और 9 19x² बस और कुछ नहीं मिलेगा, 19x² ये कितना आ गया 19x² वाई देखें अगर यहाँ पे एक है 4y² -6y - 2y हो गया, -2y ये हो जाएगा +7, तो +7y² और यहाँ पे 8xy यहाँ -8 है तो हो जाएगा -18 ये हो जाएगा -10xy। ये मेरा एलजेब्रा सॉल्व हो गया। आरएचएस क्या थी, आरएचएस में सब सेम है, बिल्कुल सेम है, 5y - x आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम है, ax² + by² + cxy कंपेयरिंग बोथ साइड, ये सेम है दोनों साइड, ठीक है। ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पर 19 हो जाएगा, बी के जगह पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और सी के जगह पे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, बस ए बी सी का वैल्यू मिल गया। हमसे पूछा गया है a + b - c के वैल्यू को, a कितना है 19 + 7 - -10 19 7 26 10 36, समझ में आया, ये प्रॉपर मेथड है सॉल्व करने का, ऐसे आप कर सकते हैं। इतना आपको याद होगा अच्छे से, जो भी एंट्रीज होते हैं याद अगर आपको हुआ अच्छे से आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे, वैसे वैल्यू पुटिंग का भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, क्या ए मैन बाय 15 आर्टिकल एट रेट ऑफ 140 पर आर्टिकल एंड 10 आर्टिकल आर द रेट ऑफ 120 आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स ही सेल ऑल द, अच्छा तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या 15 आर्टिकल को खरीदता है कैसे, 15 आर्टिकल को ये सीपी पार्ट ए खरीद रहा है, ये क्या कर रहा है अभी सब कुछ खरीदेगा, 15 आर्टिकल है इसको खरीदा 140 पर आर्टिकल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 15 जा 150 और 62 10 0 0 2100 रुपये और क्या किया, ये 10 आर्टिकल लिया है 120 रुपये के रेट से, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर कितना आ जाएगा 21 33 3300, इतना ये खर्च कर दिया, ये सब कॉस्टिंग हो गया। ही सेल ऑल द आर्टिकल्स एट 132, अब यहाँ पे ये सबको सेल कर रहा है, कितना आर्टिकल है 15 + 10 = 25, कितने में बेच रहा है 132 रुपये में बेच रहा है, करें मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 25 से करें 2 times 50, 25 से करें 3 times 75 और 580, 25 से 1 time 33, अच्छा सी पी एस पी दोनों बराबर, इसका मतलब क्या पूछा क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस परसेंट 0%, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना यहाँ कोई प्रॉफिट है ना यहाँ पे कोई लॉस है, तो परसेंटेज कहाँ से निकलेगा, आया बात समझ में। फिर आगे बढ़े सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी आपको सीजीएल के पूरे इस सीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो रेडी रहें। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया गया, इन ए ट्राइंगल ए बी सी देर आर 2 पॉइंट डी एंड ई ऑन द साइड ए बी एंड ए सी सच दैट दिस, यहाँ पे एक काम करते हैं पहले ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, ये रहा एक ट्राइंगल, बाकी कुछ सब क्लियर हो जाएगा। ये ट्राइंगल है, क्या नाम है इसका, ए बी सी नाम है ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है इसे थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक है ए बी सी क्या दिया गया है, डी एंड ई ऑन द पॉइंट ए बी एंड ए सी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी, यहाँ पे ए सी पे एक पॉइंट है ई और एंगल ए डी ई, एंगल ए डी यानी इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, ये एंगल जो है
इसके बराबर एंगल बी के बराबर है, यानी कि ये एंगल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ए लाइन पैरेलल हो गया, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड ए डी इक्वल टू फाइव। ए डी कितना दिया गया, ए डी यहाँ पे फाइव है। ए बी कितना, ए बी मतलब ये पूरा जो है ये सेवन है, ठीक है। बी सी कितना दिया गया, बी सी यहाँ पे नाइन है। ए बी कितना है, ए बी यहाँ पे दिया गया सेवन, ठीक है। बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई, डी ई कितना होगा, डी ई मतलब ये साइड, डी ई ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। सीधी से बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फाइव बाई सेवन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, फाइव बाई सेवन इक्वल टू डी ई बाई नाइन। तो डी ई का वैल्यू कितना आ गया, नाइन फाइव या फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव बाई सेवन, ये कितना आ गया, 45 सेवन आ गया। इससे आप सॉल्व करना चाहे आगे कर सकते हैं, सेवन सिक्स या 42, 30 कितना आ जाएगा, 30 यानी कि 746.442 के आसपास ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 6.42 सेंटीमीटर या 45 बाई 7 सेंटीमीटर, ये होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 12474, क्या 12474 एक सर्कुलर फील्ड का ये एरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देयर इज सर्कुलर पाथ आउटसाइड इट विच इज 3.5 मीटर वाइड, इसके चारों तरफ एक पाथ है जिसका विड्थ यहाँ पे 3.5 मीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, मतलब कुछ इस तरीके का फिगर है, अगर फिगर ड्रॉ करें यहाँ पे, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक इस तरीके से पाथ गया हुआ है, ठीक है। अगर ये इसका सेंटर है तो वी कैन से व्हाट, वी कैन से इस जो ये जो पाथ है इसका जो विड्थ है वो कितना है, 3.5 है। और ये जो सर्कुलर, ये सर्कुलर जो भी फील्ड है इसका एरिया हमें दिया गया है 12474, हमसे पूछा गया है इस पाथ का एरिया, इस पाथ का एरिया क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें बड़े वाले का एरिया पता चल जाए, छोटे वाले को माइनस कर देंगे, हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो करते हैं, छोटे वाले का पता नहीं है, छोटा निकालना पड़ेगा। छोटा एरिया पता है हमें, एरिया कितना है, 22 पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है, 22 बाई 7, आर कितना है, आर नहीं पता, आर स्क्वायर इक्वल टू 12474, 11 से कैंसिल करें ये हो जाएगा, 2 टाइम्स 11 से करें ये हो जाएगा, 1 टाइम्स 11 से करें, 1 टाइम 11 से करें, 3 टाइम 11 से करें, 4 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया। 2 से अगर कैंसिल करें इसे, ये कितना आ जाएगा, 5 5 10 6 6 12 और 7। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आर कितना आ गया, 7 से ऐसे करें कैंसिल, 7 से 8 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स इंटू 7 इंटू 7, यहाँ से आ जाएगा 9 7 63, तो आर कितना आ गया, आर आ गया 63। यानी इस छोटे वाले रेडियस का जो, छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है, ये आ गया 63 मीटर, ठीक है। तो बड़े वाले कितना हो जाएगा, बड़े वाले का हो जाएगा 3 इंटू प्लस 3.5, तो बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस जो हो जाएगा, ये वाला रेडियस, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3.5 यानी कि 66.5 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछा है बीच का एरिया क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, बड़े वाले में छोटे वाले माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई तो कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर करते हैं, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 66.5 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट दिस माइनस दिस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 63 और 60 129.5 इंटू माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5। 7 से कैसे कर कितना आ जाएगा, 7 5 जा, ये आएगा 0.5, 22 को करेगा आधा कर दी आ जाएगा 11। वी कैन राइट 129.5 इंटू 11, 11 फाइव 55, 11 नाइन 99, 5 104 के 4 का 8, 10 11 22 और 10 22 32, 2 3 11 और 3 14, 1424 यहाँ पे पॉइंट, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इस पाथ का एरिया 1424.5 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, राधा सेव 25% ऑफ हर इनकम, इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज 20% एंड इनकम इंक्रीज 100%, फाइंड द, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे राधा का इनकम जो है वो मान लेते हैं हम लोग 100x, ये क्या है इसका,
ये इसका इनकम है, ठीक है। इसमें से क्या करती है, 25% ये सेव कर लेती है। 25x क्या होता है, इसका सेविंग होता है, ठीक है। तो खर्च कितना करती है, खर्च करती है 75x, ठीक है। अगर इसका एक्सपेंडिचर जो है 20% से बढ़ गया, 25x था, ये क्या हो गया, 75x से अब बढ़ के 20% बढ़ गया, यानी कि 6/5 हो गया, 15 से 90, यानी कि अब कितना हो गया, ये 90x हो गया। क्या एक्सपेंडिचर, कौन सा, न्यू एक्सपेंडिचर। इनकम इंक्रीज बाय 29%, यानी इनकम ये था, ये भी बढ़ गया, कितना, ये हो गया 129x। तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इन परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। अगर 129 इसका इनकम है, 90 ये खर्च करती है, तो इसका जो न्यू सेविंग है वो क्या है, न्यू सेविंग ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29, 39, ये आ जाएगा 39x। तो पूछा है क्या, इसका सेविंग कितना बढ़ गया, पहले था 25 था, अब कितना हो गया, 39, कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया, कितने पे, 25 पे। 25 4 जा 14 4 जा 56, 56% इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ सेविंग में। आया समझ में, ये हुआ क्वेश्चन, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख पा रहे हैं काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, आप कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन साइड से पढ़ेंगे तो आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर 69, कॉस स्क्वायर 21, और इधर क्या है, कॉस 90, साइन 30, साइन 90, कॉस 30। तो कॉस स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 1, कुछ मिसिंग यहाँ पे लग रहा है, कॉस स्क्वायर 69 या 1 नहीं, यहाँ पे ना कॉस स्क्वायर 21 रहा होगा, मतलब ऐसे कुछ लिखा गया क्वेश्चन जो है ना, कुछ ऐसे था, कॉस स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिवाइड बाई कॉस 90 साइन 30 माइनस साइन 90 कॉस 30, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए अगर क्या दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर 69 प्लस कॉस 21 है, तो कॉस 21 को वी कैन राइट साइन स्क्वायर 69, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस और क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा पूरा का पूरा 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है, ये होता है 0, ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन 90 ये हो जाएगा 1, और ये कितना होता है, साइन कॉस 30 √3/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -√3/2, और वी कैन से -2/√3, ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको ऑप्शन मिलेगा ऐसा ऑप्शन, यही होगा आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ए शॉपकीपर अर्न 21 प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 21%, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे लेट करे सी पी अगर मेरा 100x है, तो यहाँ पे एस पी कितना हो जाएगा, एस पी 21% प्रॉफिट है, इसका मतलब ये हो जाएगा 120x हो जाएगा। और यहाँ पे एम पी पे डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया है 29%, 21% का, यानी कि 79% का डिस्काउंट दिया गया है, और ये किसके बराबर होगा, ये एस पी के बराबर होगा, 121x के बराबर। तो यहाँ से एम पी कितना आ जाएगा, एम पी आ जाएगा 121x इंटू 100/79। पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी पी बाई एम पी, सी पी कितना है, सी पी है 100x, एम पी कितना आया है, एम पी आया है 121x इंटू 100/79, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना 79/121, यही हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, आया समझ में, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 क्या दिया गया यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7, दो नंबर है, दोनों का रेशियो कितना कितना, एक है 5 एक है 7, ठीक है, 5x और 7x, ठीक है। 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, 5 दोनों में से माइनस कर दिया गया, कर दिए, देन दिस रेशियो बिकम्स 2:3, अब क्या हो गया, रेशियो बदल गया, वो कितना हो गया, 2:3 हो गया, फाइन देन व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर का सम कितना होगा, ठीक है।
क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 15x माइनस 14x ये आ जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, ये 15 माइनस 10 ये आ जाएगा 5। ठीक है, पूछा क्या गया है दोनों का सम, 7 × 5 = 12, 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतने ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या फिर इससे भी कम से आपको लगेगा सॉल्व करने में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 24, क्या इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्रिपल एंड ब्रेथ इज हाफ देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल टू दैट ऑफ न्यू रेक्टेंगल। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दो रेक्टेंगल है, एक है ओल्ड और एक है न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें, पहले इसका लेंथ कितना था, लेंथ था इसका एल था, अब कितना हो गया, अब इसका ट्रिपल हो गया यानी कि 3L हो गया। ब्रेथ कितना था पहले, जो भी था उसका हाफ हो गया, मान पहले 2B था, अब कितना हो गया, ये B हो गया। एरिया में चेंजिंग कितना आएगा ये पूछा गया है, एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2LB और ये कितना आ जाएगा 3LB। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, ओरिजिनल ये है एंड न्यू, दोनों का रेशियो पूछा ना, तो ये हो गया 2:3। बस ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब बढ़ चले हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन 25, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। वर्किंग 8 hours a day 18 मैन कैन डू 3 units ऑफ वर्क, ओके इन हाउ मेनी डे। काफी आसान क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। 8 hours 18 men डू 3 units ऑफ वर्क, 3 units वर्क नीचे आ जाएगा 10 दिन में। ठीक है, इक्वल टू इन हाउ मेनी डे 25 men वर्किंग 6 hours a day डू 5 units वर्क। ठीक है, 5 से ये हो गया 5 times, 5 से ये हो गया 2 times, और कुछ कटेगा, ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा ये 3 times, 3 से हो जाएगा ये 6 times, 6 3 से हो जाएगा ये 2 times। तो क्या क्या मिला, तो D बराबर आ गया 16 डेज का समय लगेगा इस तरीके से अगर यहाँ पे काम होता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो ये देखा आपने, हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए पूरे 25 questions आज यहाँ पे, जो कि 13th August को जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे आज सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आने वाले दिनों में जो एग्जाम बचे हुए हैं SSC CGL के। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, हर साल ऐसा होता है, फर्स्ट डे सेकेंड डे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगे उस तरह के क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने को मिलते हैं। ये पूरे 25 questions थे, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर से बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके, और इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके इसका। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और ये VIP एडो सबका फेसबुक पेज, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम हैंडल इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये है टेलीग्राम ग्रुप, इसे तो मस्ट ही ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं और अपडेट वगैरह आपको मिलती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। लकली ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, थैंक यू।